बैक टू माई चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं इस टाइम पे हूँ शिवान जंक्शन पे। तो देखिए, ये हमारा है शिवान जंक्शन, अपना सिवान। यहाँ पे फ्लैग लहराते हुए आपको दिखेगा इस साइड, वहाँ सामने में दिख रहा है। तो बस, और अभी इस टाइम पे मैं यहाँ पे आई हूँ अपने देवर देवरानी को पिक करने के लिए। तो चलिए, ये आप लोग को मैं आज मिलवाऊँगी अपने देवर से, देवरानी जी से। और अभी तक व्लॉग में आपने मेरे इन लॉज को भी नहीं देखा है, तो वो मैं आप लोगों को आज मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेरे इन लॉज भी आज आप लोगों से मिल लेंगे। और मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे करके ना सारे लोगों से, अपनी पूरी फैमिली से, पूरे ससुराल से आप लोगों को मिला पाऊँ। तो मेरी कोशिश तो खैर रहती है और आगे भी रहेगी, लेकिन चलिए देखते हैं। अभी ट्रेन आने में ना कुछ टाइम बाकी था, हम लोग आ चुके हैं अभी। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और एक अच्छा सा एक ब्लॉग हो जाए यहाँ पर देवर के साथ में। तो बस आते हैं, तो मैं देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि आते ही मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँ, बहुत सारी बातें आप लोगों से करूँ। और यहाँ आप देख, प्रिंसू भी आए हैं, ऋषभ आए हैं, वहाँ बैठी हैं परी और उनके पापा। तो बस, तो बस ये जा रहे हैं ना अंदर, ऋषभ और ये भी जाने को रेडी हो रहा है। तो ये लोग जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म टिकट ले चुके हैं, जा रहे हैं पिक करने के लिए। तो बस प्रिंसू, चलिए मम्मा के साथ ट्रेन में बैठी बैठी करने जाओगे? तुम तो जाएगा, तुम अंकल के साथ भी नहीं आएगा ना? अंदर से आएगी रिया, अभी आएगी थोड़ी देर में। कैसे आएगी? तो कैसे आएगी, दौड़ के आएगी, ऐसे करके दौड़ के आएगी कि चलो 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 चलो, प्रिंसू से मिलना है मुझे, प्रिंसू से मिलना है मुझे, है ना? और कौन आएगा? अंकल भी आएंगे ना? अंकल भी आएंगे ना? अच्छा ठीक है, चलिए चलिए चलिए। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सुंदर पेंटिंग, देखिए तो कितना सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाया ना। सुंदर नहीं है? और मेरे पापा बहुत लेट आ रहे हैं, बैठने बैठते बैठते थक गए, हम लोग वेट कर रहे हैं, लग रहा है ट्रेन लेट आ रही है। आपको ट्रेन की आवाज़ दे रही है लग रहा है। और रिया अंकल और आंटी आंटी वो लोग आ रहे हैं लग रहा है, दादाजी भी, दादाजी थे तो इसलिए लग रहे हैं थक रहे। बहुत गर्मी है। हाँ बहुत गर्मी है, हाँ पर हवा लग रहा है, पर मेरे को ठंडा लग रहा है, बट गर्म लग रहा है। नहीं, गरम और ठंडा, गरम और ठंडा, सच में मेरी बहुत हिल रही है, ऐसे पकड़ते हैं सीधा। तो लग रहा है ट्रेन आ गया, फाइनली ये ट्रेन आ गया, आवाज आ रही है आवाज। सो मैं एक फोन वाला मैं देखती हूँ अंदर कि ट्रेन आया है नहीं। मैं परी मिलवाएगी अपने अंकल आंटी दादाजी से भी। तो मैं ट्रेन में देखती हूँ कि ट्रेन वाले फोन में देखती हूँ कि आ गए लोग या नहीं। और ये वीडियो को एंड करेंगे और लाइक सब्सक्राइब गुड गर्ल्स वीडियो एंड बाय बाय। अभी यहाँ है, इधर है और अभी तक ट्रेन नहीं आई है, मैं वेट कर रहा है ना। बाबू मेरा वेट करते करते थक गया है, यहाँ सूट वगैरह निकाल दिया, सूट निकाल के यहाँ बैठा हुआ है। और गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी, कितना गर्मी है ना, पसीना हो रहा है, क्यों पसीना हो रहा है? परी कुछ दिखा रही, इसको कुछ कहा जाता है, इसको इतना सारा क्या बोल रहे हो परी आप इसको? मैं देखती हूँ पास। नहीं नहीं जाते हैं, छोड़ो परी। कैटरपिलर बहुत कीड़ा पकड़ने से करते हैं ये, देखिए शूज उठा लिया, जाके मारेगा, वहाँ नहीं जा रहा,
घुमाने जा रहा था, मेरा घुमाने जा रहा था। नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। प्रिंस हो, नहीं जाते हैं बेटा। काफ़ी टाइम से हम लोग वेट भी कर रहे हैं और गर्मी भी उतनी ज़्यादा है और इस टाइम पे थोड़ा स्टेशन के बाहर ना खाली खाली सा है। जैसे ही कोई ट्रेन आएगी तो काफ़ी भीड़ भड़ाका हो जाएगा। मुना है आगे बैठेगी, सब सब छापा ला रूट का ट्रेन तो सब है, नॉन स्टॉप ट्रेन जा पाई से दिल्ली का। तो तीन चार ट्रेन निकल गए। हां हां वो हां हां और इधर का सही जा रहा है। ये इधर आइए, आइए इधर आओ, गिर जाके फिर जाओ जाओ। नहीं नहीं नहीं, दिक्कत नहीं हो रहा है। बारिश खूब होता है ना बाबा, का वो का एक दिन घूम के कनी सा पूरा आज अपन क्या उमस का पूरा सरप्राइज। आप इधर से देख रही हैं और इधर से सब लोग आ गया। अरे खुश रहो बड़ी, खुश रहो बड़ी मम्मी। तो क्या हुआ, देखिए कितना अच्छा आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद दीदी। प्रणाम करो रिया, किसी को प्रणाम नहीं की रिया, किसी को प्रणाम नहीं की। तो बस यहाँ पे बन रही है आलू और टमाटर की सब्जी, बिना लहसुन प्याज के बन रही है एक्चुअली, क्योंकि आज पूजा था तो घर में ऐसा कुछ भी सुबह से नहीं बना है। तो बस आलू फ्राई हो जाएगा ना पूरा, तब मैं इसमें मसाला डाल दूँगी और कटे हुए टमाटर। तो बस सिंपल सी सब्जी बन रही है बिना लहसुन प्याज के। तो बस यहाँ पे हमारे घर पे ना सब लोग आ चुके हैं, पूरा परिवार जो है ना इकट्ठा हो चुका है, सब लोग आ चुके हैं, घर पूरा भर चुका है। तो बस अब कल से ना बहुत सारे लोग मिलेंगे हमारे घर में, कल से जो भी ब्लॉग आएगा उसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए चना था वो भी गाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसमें डाल देते हैं, सब्ज़ी जो है ना अच्छी हो जाएगी, थोड़ी मज़ेदार हो जाएगी। और चना, आलू और ये टमाटर, तीनों की सब्ज़ी हो जाएगी बढ़िया से बिना लहसुन प्याज वाली। तो बस ये यहाँ पे अच्छे से इसको थोड़ा बहुत फ्राई कर दूँगी, क्योंकि चने को फ्राई करने की उतनी ज़रूरत तो है नहीं, आलू ऑलरेडी फ्राई हो चुका है बढ़िया से। और जो मसाले ऐड करने हैं यहाँ पे मैं मसाला ऐड कर दे रही हूँ, जीरा मरीच जैसे धनिया, और यहाँ पे टमाटर जो है ना कटे हुए टमाटर मैंने पहले ही रखे हुए हैं,
तो उसको कर दूँगी ऐड इसमें। और लास्ट में थोड़ा बहुत पानी अगर डालना होगा जितना, तो वो पानी डाल के, और थोड़ी एकदम जो सूखी वाली ग्रेवी होती है ना उस टाइप से बना रही हूँ। तो बस सिंपल सी एक सब्जी जो होती है वो रेडी हो गई है। मैं हल्दी डालना स्टार्टिंग में भूल गई थी, तो मैं अभी अभी हल्दी ऐड करी हूँ इसमें। और बस इसका जो होता है ना फ्राई होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब सिंपल सी एकदम से सब्जी बनाते हैं ना और आलू फ्राई ना हो तो टेस्ट गजब का हो जाता है इसलिए। तो चलिए सब्जी तो रेडी हो चुकी है, और ये ब्लॉग छोटा सा जो है ना यहीं पे एंड कर देती हूँ। कल मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग में, अच्छे ब्लॉग में, मज़ेदार से ब्लॉग में। कल मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।